हाय दोस्तों, वेलकम टू बीएच टेक्निकल मोबाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सैमसंग का मोबाइल कोई भी अपने पासवर्ड या पिन पैटर्न लगा के भूल गए हो तो उसको हम कैसे हटाएं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे, हमारे पास जो मॉडल है S21 है, तो इसका हम जो पासवर्ड है वो कैसे रिमूव करें। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पीसी की केबल है जो पीसी में हमें फ़ोन को कनेक्ट करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है, हमें पीसी में कुछ नहीं करना है। पीसी या आपके पास लैपटॉप है तो उसको आप मोबाइल को कनेक्ट करना है, लगाना है। तो देख सकते हैं हमने पीसी वाली केबल जो है चार्जिंग पे लगा दी है। तो हमें पीसी में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फ़ोन में ही करना है। अगर आप चार्जर वाली केबल लगाएंगे डायरेक्ट चार्जर से तो आपकी जो रिकवरी मोड है नहीं आएगी। तो हमें पीसी या लैपटॉप की केबल लगानी है चार्ज, और हमें जो तीनों बटन है एक साथ दबाने हैं। तो हमने जो तीनों बटन है एक साथ दबाने हैं, वॉल्यूम अप और डाउन, पावर की, हमें एक साथ दबाने हैं जब तक हमारा फ़ोन ऑफ ना हो जाए। देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑफ हो गया है, चार्जिंग का सिंबल आ गया है। तो हमें अब फ़ोन को रख देना है, और अब हमें जब तक हमारा वेट करना है चार्जिंग का पूरा निशान जो सिंबल आ जाए, हमें थोड़ा सा वेट करें। तो देख सकते हैं चार्जिंग का जो सिंबल है ये आ चुका है। हमें अब क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ दबाएंगे। तो पावर और वॉल्यूम अप एक साथ दबाएंगे तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमें पावर की छोड़ देना है और वॉल्यूम अप को दबाए रखना है। तो देख सकते हैं हमने पावर की छोड़ दी है, अप दबा रखी है। तो थोड़ा वेट करें, देख सकते हैं रिकवरी मोड हमारा आ गया है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब नीचे आना है वाइप डाटा रीसेट। तो हमें नीचे देख सकते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आना है, हमें नीचे वाले पे क्लिक करना है। देख सकते हैं नीचे वाले पे दोबारा आना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट, इसको हमें ओके करना है पावर की से। तो हमारा फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आपके फ़ोन का डाटा जो सारा है वो डिलीट हो सकता है, डिलीट हो जाएगा। तो आपको हमने ध्यान रखना है, फ़ोन रीसेट हो गया है हमारा, और रिबूट करना है। रिबूट पे करने के बाद हमारा जो फ़ोन है ऑन होगा, और हमारा फ़ोन ऑन होने में कुछ टाइम लग सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक लग सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, फ़ोन हमारा ऑन होने में 5 से 10 मिनट ले सकता है। तो हमें वेट करना है, हमारा फ़ोन रीसेट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है, ऑन होने में कुछ टाइम लगेगा। तो थोड़ा हम वीडियो को आगे करते हैं। दोस्तों, अगर आप मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो हम लेके आपके लिए लेके आते रहते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर की, मोबाइल हार्डवेयर की। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया है और रीसेट भी हो गया है। तो इसको हमें स्टार्ट स्टार्ट करना है, अब हमें फ़ोन का जो सेटअप है वो करना है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में FRP या जीमेल अकाउंट लगा हुआ हो, आपको अगर नहीं ध्यान हो तो हम उसको कैसे बाईपास करें, इसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में जाके दे दी है। वहाँ से जाके आप अपने मोबाइल की जो FRP जो जीमेल गूगल अकाउंट है उसको बाईपास कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है अपने मोबाइल की जीमेल, तो आप वाईफाई जोड़ के जीमेल लगा दें, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।